हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर IMPS नंबर क्या होता है, इसी के साथ में IMPS बैंक अकाउंट नंबर क्या होता है, इसी के साथ में आपको यहां पर वॉलेट नंबर क्या होता है, इसी के साथ में IFSC कोड क्या होता है, और अगर आप किसी भी वेबसाइट से गेम खेलते हैं या फिर कोई भी अर्निंग करते हैं किसी भी तरीके की, या फिर आप पैसे भेजना चाहते हैं किसी को, या फिर आप अपने बैंक अकाउंट में ले रहे हैं इन पैसों को, ठीक है, जो कि अगर आपके पैसे किसी भी वेबसाइट पे हैं या फिर कहीं पर भी हैं तो वो पैसे अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं तो आप किस तरीके से ले पाएंगे, इसी के साथ में हम इन सारे ऑप्शंस के बारे में जानेंगे कि आखिर ये ऑप्शंस किस किस तरीके से काम करते हैं और ये आखिर ऑप्शन कौन कौन से होते हैं। मुझसे ज़्यादातर जो सवाल पूछा जाता है कि आखिर भाई की IMPS वॉलेट नंबर क्या होता है, ये नंबर वो नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पर चलिए मैं आपको यहाँ पर समझाते जाऊँगा ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है IMPS वॉलेट नंबर वो होता है जो आपके बैंक खाते से मोबाइल नंबर लगा हुआ होता है, उसी को हम IMPS वॉलेट नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर है वो 10 अंकों का होता है, पर वहाँ पर आपको एक जीरो लगाना होता है आगे अपने मोबाइल नंबर के आगे, ठीक है। तो ऐसे में यह है कि वो नंबर हो जाता है 11 अंकों का, तो वही आपका यहाँ पर IMPS वॉलेट नंबर हो जाता है। तो ये तो आपका यहाँ पर क्लियर हो ही चुका है, ठीक है, आपका यहाँ पर क्लियर हो गया है। इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नेम आखिर कौन सा डालना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेम है वो नेम आपको डालना होता है जो कि आपके बैंक खाते में है, ठीक है, यानी कि जिस नाम से आपका अकाउंट है तो वो आपको यहाँ पर नेम डालना होता है। यहाँ पर आपको किसी भी बैंक का यहाँ पर नेम डालना नहीं है। आप जानते हैं अगर आप कहीं पर भी जैसे कि अपनी बैंक की डिटेल वहाँ पर सेव करते हैं और IFSC कोड वहाँ पर एंटर कर देते हैं तो वहाँ की जो ब्रांच है और जो भी ब्रांच है उसकी डिटेल ऑटोमेटो ही आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना नेम डालना है, ठीक है, कि आखिर इस नेम से ये खाता है। इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं कि अब आपको यहाँ पर डालना है यानी कि IMPS बैंक अकाउंट नंबर, ये आखिर क्या होता है। तो मैंने आपको बताया है कि जो वॉलेट नंबर होता है वो आपका होता है मोबाइल नंबर, ठीक है। तो जो मोबाइल नंबर और जो आपका बैंक खाता है वो जुड़ा हुआ है एक दूसरे पर, ठीक है, तो वही आपका यहाँ पर हो जाता है IMPS बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है। तो यही आपका नंबर होता है। इसी के साथ में आप जानते हैं कि आखिर IFSC कोड क्या होता है, इसके बारे में तो मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कुछ लोगों को पता नहीं होता है। तो आपकी जो बैंक है, ठीक है, उसी की पासबुक पर होता है, कहने का मतलब ये कि ब्रांच कोड होता है, जहाँ पर वो ब्रांच होती है उस ब्रांच का एक कोड होता है जिसे हम बोलते हैं IFSC कोड, ठीक है। तो वो कोड आपको यहाँ पर एंटर कर देना होता है, उसके बाद में अब आपको यहाँ पर अमाउंट डालनी होती है कि आखिर आप कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। कुछ कंडीशंस में उनकी जो लिमिट है वो लिखी हुई भी होती है कि आप इतने यहाँ पर पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं $1,300 से $600 तक आप यहाँ पर एक बार में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो पैसे हैं वो अगर हम इसके थ्रू भेजते हैं तो आखिर कितना समय लग जाता है। अधिक में अधिक आपको आधा घंटा लग सकता है और आपके जो बैंक में आपके खाते में आपके पैसे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगर आप किसी वेबसाइट पर अगर आप अर्निंग करते हैं या फिर आप किसी वेबसाइट के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं, ठीक है, तो आपको अधिक में अधिक आधा घंटा लग सकता है। कई चांसेस ऐसे हो जाते हैं जो कि अगर आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं है तो वहाँ पर आपको 24 घंटे या फिर 36 घंटे तक लग जाते हैं, तो इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। इसी के साथ में अब हम बात कर लेते हैं जो पैसे हम भेजते हैं वो किस तरीके से हमें इसमें देखने को मिलते हैं और जैसे ही हमारे बैंक खाते में पहुँच जाते हैं तो वो किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलते हैं, वो भी हम इस वीडियो में जान ही लेते हैं लगे हाथों। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि ट्रांजेक्शन हुआ हुआ है और IMPS की माध्यम से ही मैंने यहाँ पर पैसे भेजे हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कितनी बार ट्रांजेक्शन किया है और उतनी ही बार आप यहाँ पर बैंक अकाउंट में भी देख सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे हैं कि किसी भी तरीके का यहाँ पर मैं आपको कोई भी एडिटिंग वगैरह करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।